अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गनस थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने डी मॉर्गनस थ्योरम पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, यानी डी मॉर्गनस थ्योरम को हम किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं वो हमने पढ़ना है। तो पहले जिस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस कॉस एन थीटा एन साइन एन थीटा एज फाइनाइट सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी हम कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा, ये जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनको हम सीक्वेंस सीरीज वाली फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, द बाइनोमियल थ्योरम होल्ड फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा टू रेज पावर एन इज इक्वल टू। यानी जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ए प्लस बी टू रेज पावर एन, हमारे पास होता है एन सी जीरो, यानी एन कॉम्बिनेशन जीरो। जो हमारे पास पहला यानी ए होगा उसकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम से जीरो को तक पहुंच जाती है, और जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसकी पावर जो होती है वो जीरो से लेके मैक्सिमम नंबर तक, यानी जो एन पावर है उसके मैक्सिमम जो एन है एन तक पहुंचती है, और साथ उसके एन सी जीरो यानी एन कॉम्बिनेशन जीरो, एन कॉम्बिनेशन वन, एन कॉम्बिनेशन टू अप टू सो ऑन, जहाँ एन कॉम्बिनेशन एन तक वो कंटिन्यू होती है। तो ये हमारे पास ए है और ये समझ ले बी है और ये रेज टू पावर एन है, तो हमारे पास होता है एन सी जीरो ए टू रेज पावर एन बी टू रेज पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू रेज पावर एन माइनस वन बी टू रेज पावर वन प्लस एन सी टू ए टू रेज पावर एन माइनस टू बी टू रेज पावर टू एन सी थ्री ए टू रेज पावर एन माइनस थ्री बी टू रेज पावर थ्री। इस तरह कंटिन्यू करते करते एन एन सी एन ए टू रेस पावर जीरो और बी टू रेस पावर एन, यानी हमारे पास जो ए होता है वो जो मैक्सिमम पावर हमारे पास एन होती है उससे जीरो तक, और जो बी होता है वो जीरो से लेके मैक्सिमम पावर तक जाता है, और साथ में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक चलते रहता है। एन सी जीरो जो होता है वो इक्वल टू वन होता है, वो लिखते नहीं है। एन सी वन जो होता है वो एन के इक्वल होता है, उसका रिजल्ट कुछ आ रहा होता है, इसलिए एन सी जीरो अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, उसका आंसर वन है, वो वन पुट करके उसको सॉल्व निकाला हुआ उसका आंसर एन सी जीरो। और जो हमारे पास ए है उसकी पावर एन आ गई, जो बी था उसकी पावर जीरो थी वो वैसे भी इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस एन थीटा आ गया एन सी वन कॉस एन माइनस वन, और जो सेकेंड वाला था उसकी पावर वन आ गई। एन सी टू फर्स्ट वाले की पावर एक और कम हो गई, यानी एन माइनस वन से एन माइनस टू हो गई, और जो सेकंड फंक्शन था उसकी पावर स्क्वायर आ गई। थर्ड में एन सी थ्री कॉस की पावर एक और कम हो गई और साइन की पावर में एक एडिशन हो गया, टू से वो थ्री हो गया। एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर और जो साइन वाला फंक्शन था उसकी पावर फोर। एन सी फाइव इसी तरह ही हमारे पास कंटिन्यू होता रह जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है ए प्लस बी एक्स प्लस एन टू रेज पावर एन जो होता है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह कंटिन्यू होते होते हमारे पास क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन यानी लास्ट होगा वो एन सी एन होगा। एन सी एन माइनस वन चेंज, अगर आप देखो तो एन में कोई चेंज नहीं होता, थ्री से फोर, फोर से फाइव, और जो सेकंड लास्ट होगा वो एन से एक कम होगा और जो लास्ट होगा वो एन सी एन होगा। एन सी एन माइनस वन कॉस की पावर वन आयोटा साइन की पावर एन माइनस वन, यानी अगर आप फर्स्ट मतलब जो सेकंड और ये सेकंड लास्ट को आप देखो तो वो एक जैसी होंगी, पावर्स जो होगी वो ए और बी की रिप्लेस जाएगी। यानी यहाँ पे कॉस जो था वो एन माइनस वन के साथ था, यहाँ साइन जो है वो एन माइनस वन के साथ है, यहाँ साइन वन पावर के साथ है, यहाँ कॉस जो होगा वो वन पावर के साथ होगा, यहाँ एन सी वन था तो ये एन सी एन माइनस वन हो जाएगा, लास्ट हमारे पास जो होगा एन सी जीरो था, यहाँ एन सी एन होगा। जिस तरह एन सी जीरो आपके पास वन के इक्वल होता है, उस तरह एन सी एन भी कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो, फाइव सी फाइव, टेन सी टेन, इन सब के आंसर आपके पास वन आएंगे, या फाइव सी जीरो, टेन सी जीरो, इनके आंसर भी आपके पास वन ही आएंगे। अगर इसको हम ओपन कर लें तो आपके पास आ जाएगा, ये कॉस एन के साथ आ जाता है, यहाँ पर ओपन कर लिया तो ये कॉस, क्योंकि आयोटा साथ आ जाएगा, आयोटा कॉस एन माइनस वन कॉस थीटा, मतलब कॉस टू रेस ऑफ एन माइनस वन थीटा और साइन थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या था, यहाँ आयोटा का स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आयोटा क्यूब है तो एक आयोटा अलग हो गया, बाकी दो आयोटा स्क्वायर्स रह गए, आयोटा स्क्वायर्स माइनस वन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और साथ एक आयोटा रह जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो दो से आयोटा स्क्वायर से माइनस वन बन गया और एक आयोटा यहाँ पे साथ रह गया। यहाँ फोर है तो टू टाइम्स आयोटा स्क्वायर बनेगा, ये आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दोनों माइनस वन होंगे, तो दोनों जो माइनस वन मल्टीप्लाई होकर प्लस वन आ जाएंगे, तो यहाँ पर फोर के साथ आपके पास प्लस ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक ही आयोटा था, इस टर्म में आपके पास दो आयोटा थे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, इसमें आपके पास तीन आयोटा थे तो दो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया और एक आयोटा साथ रह गया। फोर्थ वाले में चार आयोटा थे तो आयोटा स्क्वायर भी माइनस वन था, दूसरा आयोटा स्क्वायर भी माइनस वन था, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस वन हो गए।
इस तरह 5 में आपके पास 5 एयोटास होंगे। 4 एयोटा से हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव 1 होता है और एक जो एयोटा रह जाएगा वो 7 आ जाएगा, क्योंकि एयोटा के हमारे पास आंसर कोई एयोटा या तो हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखे नेगेटिव, वो लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एयोटा लिख देते हैं। इस तरह आपके पास ओपन हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एयोटा की पावर 2 रेज पावर एन माइनस 1, और जो सेकेंड लास्ट सॉरी और जो लास्ट होगा वो एयोटा 2 रेज पावर एन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस अराइज होती हैं कि हम एन हमारे पास इवन है या ऑड है, यानी हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया उसकी पावर हमारे पास 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो उस पर ये हमारे पास दो केसेस अराइज हो गए कि एन जो है वो इवन है या ऑड, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस होता है एन, अगर पावर इवन या ऑड हो उससे फर्क पड़ता है, आयोटा पे फर्क पड़ता है। आयोटा क्या हो जाता है, यहाँ तो हमने इसके रिजल्ट निकाल लिया ना, अब ये वाला जो आयोटा उसकी पावर एन माइनस 1 है। अगर आपके पास इवन पावर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी को देख लें, अगर आपके पास 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अगर 4 है तो आयोटा स्क्वायर जो होता है आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो आपके पास प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन अगर एन आपके पास 5 है या 3 है तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा के ऊपर आपके पास पावर एन वाली फॉर्म में है, तो यहाँ पर दो केसेस अराइज हो जाती हैं कि एन आपके पास इवन है या ऑड है, क्योंकि अगर एन इवन होगा तो रिजल्ट्स अलग निकलेंगे, अगर एन ऑड होगा तब रिजल्ट्स अलग निकलेंगे। तो इन दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। अगर एन हमारे पास इवन है तो एन माइनस 2 भी क्या होगा, इवन होगा। जैसे 4 अगर आपके पास इवन है तो 4 माइनस 2 2 भी इवन है, 10 इवन है तो 10 माइनस 2 8 इवन है, अगर माइनस 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो एन इवन होता है तो एन माइनस 2 भी इवन होता है, यानी दो कम नंबर दो छोड़ने पड़ते हैं, आप बीच में एक नंबर छोड़ के फिर आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना पड़ता है, इवन में एक एक नंबर बीच में स्किप होता है, इससे ऑड में भी हमारे पास बीच में एक एक नंबर स्किप होता है। आप माइनस 1 करके, अगर इवन नंबर है तो आपको माइनस 2 करके नेक्स्ट या प्लस 2 करके नेक्स्ट इवन नंबर पे जाना पड़ता है। तो एन अगर इवन है तो एन माइनस 2 भी इवन है, और एन डिवाइड बाई 2 और एन माइनस 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी हमारे पास इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर एन इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 2 इवन है तो वो भी 2 से डिवाइड होकर हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा बल्कि इंटीजर्स हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएंगे। इवन नंबर को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। अब देखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा हमारे पास लास्ट नंबर, स्टार्टिंग की जो हमारे पास सीरीज है वो तो वैसी रहेगी, जो फर्क पड़ेगा वो वहां पे पड़ेगा जहां पे हमारे पास पावर्स एन वाली फॉर्म में आ रही है। तो अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन, स्टार्टिंग से हमारे पास वैसी रहेगी जो 5 है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एन माइनस 1, एन जो है वो इवन नंबर है, अगर आप याद रखें n इवन नंबर है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन में से एक माइनस हुआ तो ऑड हो गया, ऑड नंबर जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास थे ऑड नंबर्स, आयोटा क्यूब था, यहाँ आयोटा 1 था, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर था आयोटा 7 आया, यानी एक आयोटा, आयोटा क्यूब था तो यहाँ पर भी आयोटा 7 आया, जहाँ आयोटा 5 था वहां पर भी एक आयोटा हमें बाहर निकालना पड़ा है, बाकी जो इवन पावर थी जैसे पावर 2 थी उससे हमने माइनस 1 निकाल लिया, 4 थी वहां से हमने प्लस 1 निकाल लिया। तो जहां पर हमारे पास एन इवन होगा तो एन माइनस 1 जो होगा वो ऑड होगा, तो ऑड के लिए हमें एक आयोटा बाहर निकालना पड़ेगा, जो एन माइनस 1 है उसमें से हम एक आयोटा बाहर निकालेंगे, बाकी बचेगा एन माइनस 2, और एन माइनस 2 जो है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर से हम आयोटा स्क्वायर करके, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इवन नंबर में से ही 2 कॉमन निकलता है, इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, तो इवन नंबर में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास एक कोई इंटीजर आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आयोटा के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, और डिवाइड वाला हमारे पास यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो आयोटा पे जो स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था वो माइनस 1 बन गया, और डिवाइड वाला ये एन माइनस 2 के साथ आ गया, यानी इस एन माइनस 1 को हमने पहले लिखा आयोटा और एन माइनस 2 के साथ, एन माइनस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जो 2 मल्टीप्लाई था वो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन गया और एन माइनस 2 ए 2 आ गया, यानी एक आयोटा रह गया। अब हमारे पास आयोटा की मैक्सिमम पावर नहीं है, अब आयोटा हमारे पास सिर्फ एक है, क्योंकि हमने जितनी भी सीरीज देखी है अब यहाँ देखो सिर्फ एक ही आयोटा रहने दिया, अगर जिन टर्म्स में आयोटा है भी वहां सिर्फ आयोटा पावर 1 के साथ है, बाकी जो पावर थी, बाकी जो पावर बचती है उसको हमने माइनस 1 वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। इसी तरह अब एन इवन था तो ये वाला एन जो है वो भी इवन होगा, इवन नंबर को हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करने से हमारे
डिवाइड करने से हमारे पास जो पावर्स होंगी वो पॉइंट्स में नहीं आएंगी. अगर एन इवन नहीं होता और उसको हम टू से डिवाइड करते तो हमारे पास पावर क्या हो जाती, पॉइंट्स में आ जाती. अब यहाँ पर अगर एन इवन है तो ये इवन नंबर को हम टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं और पावर हमारे पास पॉइंट्स वाली फॉर्म में भी नहीं आएंगी. तो एन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर बन गया, वो माइनस वन के इक्वल आ गया और बाकी हमारे पास एन माइनस टू रह गया. अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं. यानी अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास एक आयोटा के बगैर वाली टर्म है और एक आयोटा के साथ वाली टर्म है, और राइट हैंड साइड पर बहुत सारी टर्म्स हैं जो मतलब एक टर्म आयोटा के साथ है, एक ये आयोटा के साथ नहीं, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, एक टर्म में आयोटा नहीं है और नेक्स्ट में आयोटा है. इस तरह से अगर हम करें कंपेयर करें तो आयोटा के बगैर वाले टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं और आयोटा के साथ वाले टर्म्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं. यानी यहाँ पर कौन सी है, आयोटा के बगैर वाली कॉस एन थीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे कॉस एन थीटा, और यहाँ पे इसमें आयोटा, इसको हम छोड़ देंगे, माइनस टू सी टू कॉस एन माइनस टू, और ये कॉस साइन स्क्वायर आ गया. इसी तरह इसमें आयोटा नहीं है, एन सी फोर कॉस एन माइनस फोर थीटा, ये हमारे पास आ गए. और लास्ट में हमारे पास इसमें आयोटा नहीं है तो आखिरी टर्म हमारे पास ये वाली आ जाएगी, माइनस वन एन डिवाइड बाई टू साइन एन थीटा. इसी तरह जब हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हम जिस पार्ट में आयोटा है, आयोटाज हम लिखेंगे नहीं, आयोटा के अलावा यानी लेफ्ट साइड पर भी हम आयोटा लिखेंगे नहीं, आयोटा के साथ जो पार्ट है वो लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पर भी आयोटा के साथ साथ जो नंबर आ रहा है, आयोटा को छोड़ के उसके साथ जो बाकी नंबर बचता है उस टर्म में, वो हमने पूरा लिख देना. जैसे यहाँ पर हमारे पास है एन सी वन कॉस एन माइनस वन साइन थीटा, ये लिख दिया, एन सी थ्री वाला लिख दिया, इसी तरह एन सी फाइव वाला लिख दिया, और लास्ट जो हमारे पास आयोटा के साथ बनता है इसके अकॉर्डिंग, इवन के अकॉर्डिंग वो बनता है ये माइनस वन एन डिवाइड एन माइनस टू डिवाइड बाई टू एन कॉस थीटा साइन एन माइनस वन थीटा. यानी अगर हमारे पास एन इवन नंबर है तो हम कॉस एन थीटा को इस फॉर्म में, फॉर्मूला निकल गया, हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि हमने कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा को सीरीज वाली फॉर्म में, कॉस और साइन थीटा की सीरीज वाली फॉर्म में लिखना है. तो एन इवन के लिए हमारे पास कॉस एन थीटा की सीरीज ये वाली आगे जो फर्स्ट वाली है, और साइन एन थीटा की सीरीज हमारे पास ये आगे वेन एन इज इवन, यानी इवन होगा तो हमारे पास सीरीज ये आ जाएगी, कॉस एन थीटा की ये फर्स्ट वाली और साइन एन थीटा की ये सेकेंड वाली. सेकेंड जो केस है, अगर एन हमारे पास ऑड आता है, एन ऑड है तो एन माइनस वन क्या होगा, इवन होगा, और एन माइनस यानी एन भी इवन नहीं हो सकता और एन माइनस टू भी इवन नहीं हो सकता. अगर एन ऑड है तो एन माइनस वन इवन, इवन इसलिए लेना हमने क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल आ जाएगा. आयोटा फोर से हम माइनस वन निकाल सकते हैं, आयोटा सिक्स से माइनस वन निकाल सकते हैं. हम ऑड वाले नंबर्स में से माइनस वन में नहीं लिख सकते, हमें उसमें से जो आयोटा कॉमन निकाल के हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये अगर n अगर हमारे पास ऑड है तो n माइनस वन इवन है, और n माइनस वन बाई टू भी हमारे पास इवन होगा, ना n इवन हो सकता है और ना n माइनस टू इवन हो सकता है. पहले जैसे हमने पहले जो पिछले पार्ट में था वैसे ही हम करेंगे, cos n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा, स्टार्ट से वैसे ही आ जाएगा एयोटा फाइव, वहां तक कोई चेंजिंग नहीं आएगी. अब यहाँ पर क्या होगा, हमने जो पहले देखा था यहाँ पर हमारे पास निकल हुआ था n माइनस वन और यहाँ पे आ जाता था सेकेंड लास्ट टर्म में हमारे पास n माइनस वन था और लास्ट टर्म में हमारे पास जो है वो n था. इसको हमने इवन के अकॉर्डिंग तो अपने रिप्लेसमेंट्स कर लिया, अब ये रिप्लेसमेंट्स हमने ऑड के अकॉर्डिंग नहीं करना है. अगर n हमारे पास ऑड है तो n माइनस वन क्या होगा, इवन होगा. अब हमने यही सोच के यही केस लेके चलनी है कि अब हमारे पास n ऑड है और n माइनस वन इवन है. n माइनस यहाँ पे था n माइनस वन और यहाँ था n, ये तो है ऑड और ये है आपके पास इवन, आयोटा एन माइनस वन. इवन नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं, हम टू से डिवाइड भी कर देंगे और टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला माइनस वन बन जाएगा और ये एन माइनस वन बाई टू, ये आपके पास एक पॉइंट के बगैर एक इंटीजर वाला आंसर आ जाएगा. ये हमारे पास ऐसे आ गया. यहाँ पर जो था वो आयोटा की पावर थी एन और वो था ऑड. ऑड में से हमने क्या करना होता है, एक आयोटा बाहर निकालना होता है, बाकी सारा जो होता है वो इवन बन जाएगा. यानी आयोटा फोर, आयोटा सिक्स, आयोटा एट, उसको हम आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज करके माइनस वन लिख सकते हैं. तो यहाँ से भी हमने एक आयोटा बाहर निकाल दिया, बाकी हमारे पास n में से क्या बच गया, n माइनस वन. उस n माइनस वन को हम टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. अब ये n माइनस वन जो है वो इवन है क्योंकि n ऑड है तो n माइनस वन जो है इवन है. उसको टू से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन आ गया. माइनस वन को हम जो था उसको एज इट इज लिख दिया, एन माइनस वन बाई टू आ गया. अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ऑड के लिए कंडीशन निकल गई.
अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, जिन पार्ट्स में अयोटा था उनको एक साथ कंबाइन कर लिया, और जिन पार्ट्स में हमारे पास अयोटा नहीं था, यहाँ कॉस एन थीटा है और यहाँ साइन एन थीटा है। कॉस एन थीटा वाली सीरीज हमने लिख ली और यहाँ साइन एन थीटा वाली सीरीज हमने लिख ली, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कॉस एन थीटा में हमारे पास लास्ट अयोटा के बगैर वाली, अगर हम कॉस वाली निकालेंगे तो उसमें अयोटा नहीं है, तो जिसमें अयोटा नहीं है वो लास्ट टर्म कौन सी है, माइनस वन टू रेस पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू एन कॉस थीटा साइन थीटा, वो आ जाएगी। और ये साइन एन थीटा के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे अयोटा होता है, यहाँ पे अयोटा होता है, तो अयोटा के साथ वाली जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास ये वाली है, माइनस वन टू रेस पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू साइन एन थीटा। तो ये हमारे पास जो सीरीज बन गई। अब सेकंड जो उसकी एप्लीकेशन है वो है एक्सप्रेस पावर्स ऑफ कोसाइन और साइन इन अ सीरीज ऑफ कोसाइन और साइन, यानी हमने पावर्स को, अब वहां हमने एन थीटा को रिप्लेस किया, यहाँ पे हमारे पास अगर पावर्स हैं साइन और कोसाइन की, वहां पे हमारे पास कॉस एन थीटा या था या साइन एन थीटा, वहां पावर नहीं थी, हमने कॉस एन थीटा को सीरीज की फॉर्म में लिखा और साइन एन थीटा को सीरीज की फॉर्म में लिखा। यहाँ वो कह रहे हैं अगर हमारे पास कॉस और साइन की पावर्स हैं तो फिर हम उसको थीटा के मल्टीपल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा इस वाली फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स को हम ले लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा आ गया। वन ओवर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स हमारे पास होगा वन ओवर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये नीचे चला जाएगा। फिर इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस थीटा से माइनस एटा साइन थीटा से, और डिवाइड भी उसी नंबर से कर देंगे। डिवाइड वाला नंबर वन से, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होकर वन से वही आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पिछले लेक्चर्स में इस तरह से रैशनलाइज करके इसका वन ओवर एक्स का आंसर निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आता है कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा। अब एक्स है और वन ओवर एक्स है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया टू कॉस टू थीटा, प्लस करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू टाइम्स कॉस थीटा वाला आंसर आ जाएगा, और माइनस करने से हमारे पास कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे और साइन वाला रह जाएगा। अब ये इसकी हम जो हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, इसकी हम पावर ले लेते हैं। पावर लेने से हमारे पास यहाँ पर भी पावर आ जाएगी और राइट हैंड साइड पर भी पावर आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ए प्लस बी टू रेस पावर एन, ये वापस से बाइनोमियल थ्योरम बन गया एन सी जीरो एन सी वन वाली फॉर्म में। एन सी जीरो और एन सी वन जो होता है वो हमारे पास एक और फॉर्म में भी होता है, यानी हम एन सी जीरो जो होता है वो हमारे पास वन के इक्वल होता है, एन सी वन जो होता है वो अगर आप निकालो 5c1 तो 5 आएगा, 4c1 निकालोगे तो आपके वो 4 ही आएगा, यानी जो जिसका भी कॉम्बिनेशन आप निकाल रहे हो 1 के साथ वो नंबर वापस से रिपीट हो जाता है। किसी नंबर का अगर आप 0 से कॉम्बिनेशन निकालो तो 1 रिजल्ट आता है, किसी नंबर का 1 से कॉम्बिनेशन निकालो तो वापस से वही नंबर आ जाता है। एन सी टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, इस तरह एन सी थ्री जो होता है वो एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल होता है। एन सी फोर होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस नेक्स्ट टू थ्री हो जाएगा डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल। यानी हमारे पास अगर सेकेंड है, यहाँ पे अगर हम एन सी वन निकालें तो ऊपर माइनस वन एक लेस होगा और नीचे वही नंबर का फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे टू फैक्टोरियल क्योंकि टू के इक्वल होता है, उन्होंने यहाँ पे टू ही लिख दिया। अब टू सो ऑन, अब हमारे पास जो जैसे आपके पास फर्स्ट का एन सी वन जो होता है, एन सी जीरो जो होता है वो एन सी एन भी वही होता है, अगर आपके पास एन सी जीरो जो है वो वन के इक्वल है तो एन सी एन भी वन के ही इक्वल होता है। एन सी वन अगर वन के इक्वल है तो एन सी एन माइनस वन, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम होता है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सेम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सेम होता है। अगर आपके पास थर्ड है एन एन सी माइनस वन डिवाइड बाई टू तो ये आपके पास एन सी एन माइनस टू का रिजल्ट भी वही होगा। और साथ जो हमारे पास वेरिएबल होता है एक्स की पावर एन से लेके जीरो तक जाएगी और वन ओवर एक्स की पावर जीरो से लेके एन तक जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्योंकि बाकी सब कुछ वन था सिर्फ एक्स टू, यानी वन ओवर एक्स की पावर जीरो वो भी वन के इक्वल है और आपके पास एन सी जीरो भी वन के इक्वल है, बाकी क्या बचा आपके पास एक्स की मैक्सिमम पावर। नेक्स्ट में एन सी वन एन के इक्वल होता है, एक्स की पावर एक कम हो गई और वन ओवर एक्स की पावर वन आ गई। एन सी टू इसके इक्वल होता है, एक्स की पावर एन माइनस टू हो गई और वन की पावर वन ओवर एक्स की पावर एक इंक्रीज हो गई। इस तरह लास्ट में हमारे पास क्या होता है, जो एक्स की पावर लास्ट से अगर आप देखो तो एन सी एन जो होता है वन के इक्वल होता है और वन ओवर एन एक्स की जो मैक्सिमम पावर आ गई और एक्स की पावर जीरो वन के इक्वल होता है वो नहीं लिखी। इस तरह वन ओवर एक्स की पावर एक कम एन माइनस वन और एक्स की पावर वन और एन सी एन माइनस वन जो होता है वो एन सी वन जैसा ही होगा। इसी तरह लास्ट इसकी पावर यहाँ से कम हो गई और ये बढ़ गई, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है बाइनोमियल थ्योरम से। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, एन एक्स अगर आप देखो ये पावर ऊपर चली जाए
ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एन माइनस वन और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये तो एन माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखो, ये वाला एक्स अगर नीचे चला जाएगा तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, यानी जितने भी एक्स की पावर्स हैं उनको हमने कंबाइन कर देना है। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जहाँ सीरीज स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने न्यूमिरेटर में कंबाइन करना है, और जहाँ सीरीज खत्म हो रही है वहाँ से हमने डिनोमिनेटर में कंबाइन करना है, ताकि जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स एन है तो वन ओवर एक्स एन आ जाएगा, यहाँ एक्स एन माइनस टू है तो यहाँ वन ओवर एक्स एन माइनस टू हो जाएगा। इस तरह आप कंबाइन कर सकते हो टर्म्स को, तो यहाँ पे एक्स एन आ गया तो वन ओवर एक्स एन आ गया, इसको कंबाइन कर लिया प्लस एन एक्स एन माइनस टू हो गया और वन प्लस एक्स एन माइनस टू, इस तरह हमने कंबाइन कर लिया टर्म। टू एन बाय टू प्लस वन और एन बाय एन प्लस वन बाय टू टर्म्स अकॉर्डिंग टू एन इज इवन, और अब ये डिपेंड करता है अगर आपके पास एन ये पावर जो है इवन है तो आपके पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, एन प्लस टू प्लस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पावर है वो सिक्स है तो आपके पास कितने टर्म्स आएंगे, सिक्स डिवाइड बाई टू प्लस वन, सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री आ जाएगा, थ्री प्लस वन आपके पास फोर टर्म्स आ जाएंगे। और अगर आपके पास एन जो है वो फॉर एग्जाम्पल सेवन है यानी ऑड है तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेवन प्लस वन एट डिवाइड बाई टू, यानी फोर टर्म्स आ जाएंगे आपके पास इस तरह से। अब जो आपके पास एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन है उसको मैंने पुट कर दिया कॉस टू कॉस एन थीटा। ये हमने एक रिजल्ट पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक एग्जाम्पल वाली फॉर्म में ये था, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन इज इक्वल टू टू कॉस एन थीटा होता है, एक्स एन माइनस एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन ओवर एक्स टू रेज पावर एन इज इक्वल टू टू आई होता साइन एन थीटा। ये वाले रिजल्ट अब हमने उधर पुट करने, यानी जो एन होगा एक तो आपके पास आ जाएगा टू कॉस एन थीटा, एक आ जाएगा टू आयोटा साइन एन थीटा, जो पावर होगी थीटा के साथ वही आएगी। अगर एन है तो एन आएगी, एन माइनस टू है तो यहाँ पे एन माइनस टू आ जाएगी, एन माइनस फोर है तो फिर एन माइनस फोर आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास आ गई, यहाँ पे था एक्स एन प्लस वन ओवर एन तो ये डायरेक्टली कॉस टू एन थीटा आ जाएगा, यहाँ एक्स एन माइनस टू है तो एन की जगह एन माइनस टू आ जाएगा और ये बाहर कॉमन एन निकला हुआ है। इस तरह यहाँ से n n माइनस वन डिवाइड बाई टू कॉमन निकालने से बाकी ये बचा था, तो टू कॉस अब n हमारे पास जो है n माइनस फोर थीटा आएगा, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, यहाँ पे टू कॉस थीटा n, यानी यहाँ पे टू की पावर भी n, टू टू रेस पावर n थी, कॉस n थीटा था, तो टू टू रेस पावर n हम जाके दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ देखो टू टू रेस पावर एन आ गई, यहाँ से भी टू कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी टू कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी टू कॉमन निकल सकता है, हर टर्म में से टू कॉमन निकल सकता है, वो हमने कॉमन निकाला और टू टू रेस पावर वन दी, वो पावर वन के साथ कॉमन निकला ना तो वो पावर वन नीचे जाके माइनस वन हो जाएगी। एक ये जो टू टू रेस पावर एन था वो यहाँ से गया, टू टू रेस पावर एन यहाँ से निकला, उसको दूसरी तरफ जाके हमने डिवाइड किया, एक तो एक टू था वो हमारे पास इधर सबसे टर्म से कॉमन निकला, तो पावर हमारे पास वन ओवर टू टू रेस पावर एन माइनस वन, बाकी हमारे पास ये फॉर्म बच गई टू के अलावा जो फॉर्म बन गई। अब ये हमने बना ली कॉस के लिए, यानी अगर हमारे पास ये सेकेंड वाले जो हमने इसकी पढ़ी थी एप्लीकेशन वो ये था कि एक्सप्रेस पावर ऑफ कोसाइन और साइन इन सीरीज ऑफ कोसाइन एंड साइन, यानी अब हमने कॉस की पावर एन थीटा थी उसको हमने सीरीज ऑफ कॉस के फॉर्म में लिख लिया, अब यही काम हमने साइन के लिए करना है। अब साइन वाला जो हमारे पास रिजल्ट था वो था x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू आई ओटा साइन थीटा। अब इसके हमने पावर ले लेनी है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, पावर n ले लेनी है। लेफ्ट साइड पे ऐसे आ गई, राइट हैंड साइड पे हमने सीरीज खोली, जैसे हमने मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर जो बताया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाली सीरीज खोली, सेम वैसे ही हमने इसकी सीरीज ओपन कर ली। सीरीज ओपन करने के बाद बस रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर वहां पर x प्लस वन ओवर x था, यहाँ पर क्या है x माइनस वन ओवर x, तो यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव आएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, और एक आयोटा की पावर n थी, अब आयोटा जब इवन है तो माइनस वन हमारे पास आ जाएगी, वही ऊपर वाली केस, अगर हमारे पास आयोटा इवन है तब अलग रिजल्ट आएगा, आयोटा ऑड है तब अलग आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस बन जाएंगी। जो बाइनोमियल थ्योरम खुलेगा वो एज इट इज खुलेगा जो आपके पास है, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपके पास आयोटा नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें बस डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आपके पास माइनस है तो आपके पास एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव के साथ आएगी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पर हमारे पास चेंजिंग इसलिए आ सकती है क्योंकि आयोटा हमारे पास एन जो है वो इवन भी हो सकती है और एन जो है वो ऑड भी हो सकती है। अगर एन आपके पास इवन है तो क्या होगा, हम टू मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे क्योंकि एन बाय टू का आंसर हमारे पास इंटीजर आएगा, कोई फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आएगा, तो हम टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई से उसको हम माइनस वन लिख देंगे। टू टू रेस पावर एन आ गया, इस आयोटा
से हमारे पास n इसका खोला तो माइनस वन n टू पावर टू आ गई और ये साइन n थीटा, ये फिर हमने दूसरी तरफ जाके शिफ्ट कर देना, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा और माइनस वन जो है वो भी डिवाइड में जाएगा। वन या माइनस वन वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वन डिवाइड बाय वन हो जाएगा कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, माइनस वन हो जाएगा तब भी। जैसे आपके पास अगर थ्री डिवाइड बाय माइनस वन है तो उसको आप माइनस थ्री भी लिख सकते हो, नीचे डिवाइड में हो या ऊपर डिवाइड में हो सिर्फ वही फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमने जाके माइनस वन वहाँ पर डिवाइड किया तो उसको फिर प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख देंगे, बाकी जो सीरीज आपके पास बच जाएगी। अगर एन आपके पास ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयोटा बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड आपके पास सेम वैसे ही रहेगा, आपको एक आयोटा बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर पे माइनस वन होता है और वो इवन पावर्स पे माइनस वन निकल सकता है, तो उस इवन करने के लिए एक आयोटा बाहर ले लिया और बाकी जो आपके पास आयोटा बचेगा वो आपके पास बच जाएगा एन माइनस वन रह जाएगा। एन था ना तो एन में से हमने एक निकाल लिया, बाकी बच गया एन माइनस वन, एन माइनस वन को हमने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, आयोटा टू जो था वो माइनस वन के इक्वल हो गया और ये डिवाइड वाला एज इट इज रह गया। अब ये जो सारा कुछ है साइन एन थीटा के अलावा बाकी सब कुछ हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, ये टू एन ये हो जाएगा, टू जो है वो सारे टर्म्स में से कॉमन निकल रहा, जैसे यहाँ पे हमने पुट किया ना एक्स प्लस वन ओवर एक्स ये हमने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी, अब जब आप सीरीज ओपन करोगे तो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे क्या xn और लास्ट वाली क्या होगी 1 ओवर xn माइनस वन, यहाँ पर xn माइनस वन हमारे पास 2 आयोटा cos थीटा वाली फॉर्म में आएगी, जिन आपने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था एग्जाम्पल में, जब आपके पास थी xn माइनस वन ओवर xn तो वहां पर आपने पुट करना है 2 आयोटा sin n थीटा, तो आपने जहां जहां xn माइनस वन ओवर xn है वहां पर आपने पुट कर देना है 2 आयोटा साइन एन थीटा, जो अगर एन आपके पास जैसे आपके पास एन थीटा 2 थीटा है तो आप 2 पुट करोगे, एन माइनस टू है तो आप पावर एन माइनस टू थीटा पुट करोगे, ये आपने पुट कर दिया, यानी एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन था तो उसकी जगह आपने 2 आयोटा साइन एन थीटा पुट करना है, अगर एन माइनस टू है तो 2 आयोटा साइन एन माइनस टू थीटा पुट कर देना, ये पुट करने से आपने बाकी सारा जो रिजल्ट है ये वाला ये आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना, आयोटा सारे कॉमन निकाल लेना है, कॉमन निकालने से एक आयोटा आपके पास इस साइड पे बचा था, एक आयोटा इस साइड पे बचा था, दोनों आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बच जाएगा ये वाला 1 बाय 2 एन माइनस 1 और ये सीरीज बन जाएगी, यानी हमने साइन टू रेज पावर एन थीटा जो है वो उसको भी हमने कॉस और साइन वाली सीरीज में जिस फॉर्म में बनती थी उसमें हमने सीरीज वाली फॉर्म में निकाल लिया, पहली एप्लीकेशन में हमने कॉस एन थीटा साइन एन थीटा को निकाला, दूसरी एप्लीकेशन थी उसमें हमने कॉस थीटा टू रेस पावर एन और साइन थीटा टू रेस पावर एन वाली फॉर्म्स को हमने सीरीज वाली फॉर्म में फाइंड आउट किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़नी है।